हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस, जैसे हमने फोर बीयरिंग्स जब हमें गिवन होती है, या तो वो होल सर्कल बीयरिंग सिस्टम में गिवन होएगी या क्वाड्रेंटल बीयरिंग सिस्टम में गिवन होएगी, तो हमें निकालना होगा बैक बीयरिंग ऑफ द लाइन। कोई भी लाइन गिवन हो सकती, कोई भी गिवन लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम कोई फोर बीयरिंग गिवन होती है या तो क्वाड्रेंटल बीयरिंग सिस्टम में या हमारी होल बीयरिंग सिस्टम में। तो हमने न्यूमेरिकल कुछ देखे और कन्वर्जन देखा था हमारे रिड्यूस बीयरिंग से होल सर्कल बीयरिंग में हम कैसे कन्वर्जन करते हैं, और होल सर्कल बीयरिंग से रिड्यूस बीयरिंग में कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो ये हमारा, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इन द कंपास सर्वेइंग। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लोकल अट्रैक्शन क्या है। ओके, लोकल अट्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, कोई भी अगर हमारा कोई कंपास सर्वेइंग हम करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास की हेल्प से या सर्वेयर कंपास की हेल्प से, ज्यादातर जो हमारा यूज किया जा रहा है आज के टाइम में वो प्रिज्मेटिक कंपास है। तो प्रिज्मेटिक कंपास की हेल्प से हम बीयरिंग्स वगैरह किसी भी लाइन की बीयरिंग्स वगैरह चेक करते हैं और उनके एंगल्स देखते हैं, ठीक है जी। तो लोकल अट्रैक्शन जो हमारा एक टर्म है, ये कब आता है, जब हमारी जो निडल है कंपास सर्वेइंग, जो हम कोई कंपास यूज करते हैं तो एक हमारी निडल के अकॉर्डिंग हम ईस्टवर्ड जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम ईस्टवर्ड और जो हमारे वेस्टवर्ड डायरेक्शंस होती हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं, बीयरिंग्स चेक करते हैं लाइंस की। ओके, क्वाड्रेंटल बीयरिंग सिस्टम में देखें तो लोकल अट्रैक्शन एक ऐसी टर्म है जो हमारे लोकली जो हमारी उसके जो जहां पे हम कंपास कर रहे हैं, कोई भी अगर कंपास सर्वेइंग कर रहे हैं तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से कोई डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है जी। तो उस डिफेक्ट की वजह से हमारी जो बीयरिंग्स होगी जहां हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे उनमें एरर आएगा। तो एरर, वो जो एरर आएंगे वो किसकी वजह से होते हैं, तो उसको हमने टर्म को नाम दे दिया लोकल अट्रैक्शन, ठीक है जी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस या तो भी किसकी वजह से होंगी, जैसे हमारी मैग्नेटिक माउंटेन्स है, ठीक है जी, या कोई मैग्नेटिक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारी जो निडल है वो इफेक्ट होती है, ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, लोकल अट्रैक्शन। तो एक हल्की से डेफिनेशन से आप समझते हैं लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल, द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल does not point towards magnetic north or south, ठीक है जी। जब कोई निडल की डिफ्लेक्शन होती है, ठीक है जी, चाहे वो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल में ना हो, है उससे परे रहे, ठीक है जी, कोई फोर्सेस की वजह से, कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ये ऐसा होता है। ओके, तो द रीजन बीइंग दैट द निडल मे बी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अट्रैक्टिव फोर्सेस which are produced due to the
ड्यू टू द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ठीक है जी। तो क्या है जब डिफ्लेक्शन आती है कि नील पे ठीक है जी, वो अपने नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट के क्या रहती है परे रहती है जब कोई इंफ्लेक्टिव फोर्सेस की वजह से, तो उस टर्म को हम क्या नाम देते हैं लोकल अट्रैक्शन। ओके तो क्या है डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इट इज नोन एज लोकल अट्रैक्शन। तो लोकल अट्रैक्शन क्या है जब अपने पोजीशन से क्या रहे थोड़ा हटके जो हमारी नीडल है वो रहे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इट इज नोन एज लोकल अट्रैक्शन। तो टर्म आपको लोकल अट्रैक्शन पता चले क्या चीज होती है लोकल अट्रैक्शन टर्म हम किसको बोलते हैं जब हमारी निडल अपनी पोजीशन से क्या हो जाए परे हट जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इट इज नोन एज लोकल अट्रैक्शन। सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो लोकल अट्रैक्शन है इसका सोर्स क्या है, किस वजह से ये हमारी जो लोकल अट्रैक्शन ये इफेक्ट्स आते हैं जो हमारी निडल्स में जब हम चेक करते हैं कंपोज सर्वेइंग करते हैं तो किसकी वजह से लोकल अट्रैक्शन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल अट्रैक्शन के सोर्स की, सोर्स ऑफ द लोकल अट्रैक्शन, सोर्स सोर्स ऑफ द लोकल अट्रैक्शन। तो लोकल अट्रैक्शन के क्या सोर्स हैं, किसकी वजह से लोकल अट्रैक्शन जो है वो आती है। जब हम कंपास सर्वे कर रहे होते हैं तो कंपास सर्वे में ये दिखते कब आती है, तो मासेस ऑफ मैग्नेटिक रॉक और आयरन ओर, मासेस ऑफ मैग्नेटिक रॉक एंड आयरन ओर। तो जब मैग्नेटिक रॉक या मैग्नेटिक आयरन ओर जो होंगी जहां पे प्रेजेंस होएगी, जब जैसे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रेजेंस होएगी तो वहां पे लोकल अट्रैक्शन की जो इफेक्ट्स हैं वो आते हैं। और क्या सोर्स रहता है किसकी वजह से लोकल अट्रैक्शन हो सकती है वो बात करते हैं। वायर जो होती है जो इलेक्ट्रिक कैरी करती है जो इलेक्ट्रिकल के लिए यूज की जाती है वायर, तो वो अगर नियर अबाउट हम प्रेजेंट हैं तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है लोकल अट्रैक्शन आ सकती है। हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। ओके और किस वजह से और क्या सोर्स रहता है लोकल अट्रैक्शन का, और क्या सोर्स रहता है प्रेजेंस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर नियर टू द कंपास, प्रेजेंस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर नियर टू द कंपास ठीक है। तो कंपास के नियर अबाउट जब क्या हो स्टील स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से भी हमारे जो सोर्स हो जाता है लोकल अट्रैक्शन का, तो इसकी वजह से भी लोकल अट्रैक्शन हो सकती है। ओके तो लोकल अट्रैक्शन के और सोर्स क्या रहते हैं, प्रेजेंस ऑफ रेल्स अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स एक्सेट्रा, प्रेजेंस ऑफ रेल्स अंडर ग्राउंड स्टील पाइप्स अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स एटसेट्रा, तो इनकी वजह से क्या होता है लोकल अट्रैक्शन हो सकती है। और क्या कारण रहेंगे और क्या सोर्स है हमारे लोकल अट्रैक्शन जो टर्म आती है इसकी वजह से आएंगी, प्रेजेंस ऑफ बेंच ऑफ कीज नाइफ आयरन बटन्स, प्रेजेंस ऑफ आयरन कीज ठीक है जी, और बहुत सारी जो नाइफ आयरन बटन्स आयरन बटन्स
स्टील, आयरन हैमर, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो हमने टर्म्स देखी हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, ये हमारी लोकल अट्रैक्शन है वो आ सकती है जब हम निडल के नियर अबाउट, जो कंपस है कंपस के नियर अबाउट ये चीजें रहेंगी, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या रहता है, सोर्स रहता है लोकल अट्रैक्शन का। ओके, तो अब बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन की। तो क्या, कैसे हम लोकल अट्रैक्शन की डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, हमें पता कैसे चलता है ये हमारी जो लोकल अट्रैक्शन है वो हो रही है, ठीक है जी। कहीं भी अगर हम कंपास रिवेंज करना चाहते हैं तो कहीं पे ऐसे एरर आते हैं, लोकल एरर आते हैं लोकल अट्रैक्शन की वजह से, तो वो कैसे पता चलते हैं, उसकी डिटेक्शन कैसे होती है, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं। डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन, ये बात समझने वाली है। डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है ये बात करते हैं। अगर हमारे पास, जब हम कोई भी बीयरिंग लाइंस लाइंस होगी, चाहे सी डी लाइन मान लीजिए, कोई भी गिवन लाइंस होंगी हमारे पास जहां हम लैप करेंगे, तो कोई भी लाइन होगी जब उसकी बीयरिंग्स हम चेक करते हैं, फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग, तो ये बात ध्यान रखनी है। फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग जब हम चेक करेंगे तो उसके अगर डिफरेंस जो रहेगा, फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग का जो डिफरेंस रहेगा वो 180 डिग्री के इक्वल रहना चाहिए। ध्यान रखिए, फोर बीयरिंग एंड बैक बीयरिंग का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहना चाहिए, इक्वल टू द 180 डिग्री, 180 डिग्री के इक्वल अगर होगा तो इसका मतलब क्या है, लोकल अट्रैक्शन नहीं है, कोई भी ऐसा डिस्क्रिपेंसी नहीं हुई है। ओके, तो अगर हमारी जो डिफरेंस रहेगी फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग की, किसी भी लाइन की बात करें, जब अदर लाइंस होंगी, जब हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो जो लाइंस होंगी उसमें अगर हमारे पास इक्वल टू ना हो, इससे अदर देन वैल्यूज हो, 180 डिग्री से अदर देन वैल्यूज आए डिफरेंस की फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग के, तो उसको हम बोलेंगे ये जो है लोकल अट्रैक्शन से इफेक्ट है, ठीक है जी। जो इफेक्ट आएगा वो लोकल अट्रैक्शन की वजह से डिफरेंस आता है। ओके, तो लोकल अट्रैक्शन अगर 180 डिग्री इक्वल है तो कहीं भी लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा, इसका मतलब कोई भी सोर्स नहीं है लोकल अट्रैक्शन निडल को जो इफेक्ट कर रहा है, कंपस को जो इफेक्ट कर रहा है। तो जब 180 डिग्री से क्या हो, इसके क्या हो, 180 डिग्री ना हो, अदर देन कोई वैल्यू हो 180 डिग्री के, तो उसको हम बोल सकते हैं, ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं ये लोकल अट्रैक्शन है। तो इस तरह से डिटेक्शन की जाती है लोकल अट्रैक्शन की। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये होगा भाई, जो प्रेजेंस है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की वो नियर अबाउट द कंपस है, कंपास के नियर अबाउट अगर प्रेजेंस होगी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, जहाँ आयरन और की, जहाँ हमारे मैग्नेटिक रॉक होती हैं, जहाँ हमारे नाइफ है, जहाँ कोई हैमर है आयरन का, जहाँ स्टील स्ट्रक्चर्स हैं, तो बहुत सारे सोर्स हैं लोकल अट्रैक्शन के। तो इसका मतलब ये होता है, अगर 180 डिग्री से अदर देन वैल्यू आती है किसकी, फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग के डिफरेंस की, तो हम मान लेते हैं क्या है, वहां पे लोकल अट्रैक्शन की इफेक्ट हो सकती है हमारी कंपास सर्विंग। तो ये हमारा क्या होता है, डिटेक्शन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिटेक्शन कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं हमारे लोकल अट्रैक्शन को किस तरह से होगा। तो हम बात करते हैं हम इलिमिनेशन ऑफ लोकल अट्रैक्शन। तो लोकल अट्रैक्शन को इलिमिनेशन कैसे की जाती है, कैसे इलिमिनेट करें लोकल अट्रैक्शन फोर्सेस जो होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो इफेक्ट करती हैं हमारे कंपास को, और उसकी जो नॉर्थ साउथ पोल पे जो इनकी पोजीशन रहती है निडल की, ठीक है जी, वो पोजीशन को क्या कर देती है, इफेक्ट करती है। तो वो इफेक्शन जो होती है उसको क्या करने के लिए, इलिमिनेट करने के लिए। तो कैसे इलिमिनेट किया जा सकता है ये बात ध्यान देने वाली है। इलिमिनेशन ऑफ लोकल अट्रैक्शन, नेशन ऑफ
देयर आर टू मेथड्स फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए दो मेथड हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड, इन दिस मेथड वी फाइंड आउट द बीरिंग्स ऑफ द लाइन, फॉरवर्ड बीरिंग एंड बैक बीरिंग, एंड देन वी फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ देम। और डिफरेंस जब बैक बीरिंग और फॉरवर्ड बीरिंग का हमें डिफरेंस इक्वल टू अगर 180 डिग्री रहता है तो सही है। अगर अदर जो लाइंस रहेंगी वो भी हम इसी तरह से चेक करते हैं, उनको क्या करेंगे, अगर हमारे पास वो लाइंस के अदर देन 180 डिग्री के अदर देन कोई वैल्यू आती है तो हमें पता चलता है लोकल अट्रैक्शन का, तो उसको हम करेक्शन कर सकते हैं। उनकी जो लाइंस रहेंगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री के इक्वल रख सकते हैं। उनकी अगर कोई डिफरेंस आ रहा है उनकी एवरेज लेके हम क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फर्स्ट मेथड की बात करें तो इस तरह से हम लोकल अट्रैक्शन को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो बात करते हैं क्या होता है, इन दिस मेथड द बीयरिंग्स ऑफ द अदर लाइंस आर करेक्टेड एंड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लाइन व्हिच हैज द डिफरेंस बिटवीन इट्स फोर बीयरिंग एंड बैक बीयरिंग इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बात समझने वाली है, जो हमारी जिसी कोई भी लाइन की अगर हमारे बात करें तो जिसकी फोर बीयरिंग एंड बैक बीयरिंग का जो डिफरेंस रहेगा वो 180 डिग्री के इक्वल है, तो उसी के बेस पे, उसी के बेसिस पे जो लाइन होएंगी, अदर लाइंस होएंगी, उनका भी हम क्या करेंगे, उनकी भी करेक्शन और कैलकुलेट करेंगे हम, जो हमारे डिफरेंस होते हैं फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग के, उसके इक्वल करने के लिए उस बेसिस, उस लाइन के बेस पे करेंगे जिसकी जो वैल्यू है फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग के डिफरेंस की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट मेथड में हम करते हैं, ये मेथड लगाया जाता है, जो अदर लाइंस हैं उनका भी इसी बेस पे हम करेक्शन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, और उनके डिफरेंस फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग हम जो कैलकुलेट करते हैं उनका जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री लेके आते हैं। तो फर्स्ट मेथड के जरिए हम क्या करते हैं, इस तरह से हम इलिमिनेट कर सकते हैं लोकल अट्रैक्शन को, जो लोकल फोर्सेस, जो एक्सटर्नल जो हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस रहती हैं उनको। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर इज फाउंड ड्यू टू द लोकल अट्रैक्शन बाय द ड्रॉइंग अ स्केच ऑफ द ऑब्जर्व्ड एंड करेक्ट बीरिंग ऑफ द लाइन एट ईच स्टेशन। हर एक स्टेशन पे हम क्या करते हैं, कि मैग्नीट्यूड जो एरर रहेगा वो हम कैलकुलेट करते हैं और एक ड्रॉ करते हैं स्केच को, ठीक है जी, ताकि हमें पता चले कि कौन से स्टेशन पे, हर एक स्टेशन की बात करते हैं, हर एक स्टेशन पे कौन से कितना मैग्नीट्यूड है, कितना एरर है, ओके, किस एरर का कितना मैग्नीट्यूड है, तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है हर एक स्टेशन पे। तो इस तरह से हमें इस मेथड में जो रहेगा, और इसमें क्या होगा, इफ द बीरिंग आर ऑब्जर्वड इन क्वाड्रेंटल सिस्टम द करेक्शन शुड बी अप्लाइड इन प्रॉपर डायरेक्शन बाय ड्रॉइंग एन स्केच रफली। तो अगर हम बोल सकते हैं बीरिंग के अलावा अगर हम क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में हमारी जो वैल्यू है वो है, तो वो एक प्रॉपरली डायरेक्शन में हमें करनी पड़ती है, प्रॉपरली डायरेक्शन को फाइंड आउट करना पड़ता है, और एक रफली हम क्या करते हैं, एक स्केच ड्रॉ करते हैं, ताकि हमें हर एक एरर के मैग्नीट्यूड का पता चल सके, हर एक स्टेशन का पता चल सके। तो इस तरह से हम फर्स्ट मेथड से लोकल अट्रैक्शन फोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं। और सेकंड मेथड क्या रहता है इसके बारे में देख लेते हैं। सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड में क्या यूज करते हैं, किस, कैसे हम लोकल अट्रैक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये बात सुन लीजिए। तो सेकंड मेथड जो है इसमें हमारे को हर एक, क्योंकि हमने बीरिंग्स तो हर एक लाइन की निकालनी होती है, जब फोर बीरिंग और बैक बीरिंग, फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग जब हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं या उसको कैलकुलेट करते हैं, तो हर एक लाइन्स के बीच में, हर एक जो हमारी लाइन्स आएंगी उनके बीच में एक इंक्लूडेड एंगल आता है, इंक्लूडेड एंगल, तो इंक्लूडेड एंगल की हेल्प से इस मेथड में हम क्या करेंगे, इस मेथड से इंक्लूडेड एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट जब इंक्लूडेड एंगल करेंगे तो सारे के सारे जितने भी हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, जहां हम उनकी बीरिंग चेक कर रहे हैं, तो स्टेशन जितने होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इंक्लूडेड एंगल जब हम दो बीरिंग्स के बीच में चेक करेंगे, दो लाइंस के बीच में जो हमारा एंगल होता है वो इंक्लूडेड एंगल होता है। ओके, जब दो बीरिंग्स के बीच में जब एंगल होगा, इंक्लूडेड एंगल जो रहेगा वो सेम रहेगा। ओके,
तो इस हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड मेथड से हम लोकल अट्रैक्शन फोर्सेस को भी क्या कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, इसमें होता क्या है, दिस मेथड इज मोर जनरल एज द बीयरिंग्स ऑब्जर्वड एट द स्टेशन लोकली अफेक्टेड मे बी इनकरेक्ट बट द इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेटेड फ्रॉम दीज बीयरिंग्स विल बी करेक्ट सिंस द अमाउंट ऑफ द एरर विल बी द सेम फॉर ऑल द बीयरिंग्स ऑब्जर्वड फ्रॉम दैट स्टेशन। ओके, तो क्योंकि अगर हम बीयरिंग्स स्टार्टिंग पॉइंट से अगर बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट से हमने बीयरिंग चेक की तो 180 डिग्री के इक्वल आ गई है हमारी जो डिफरेंस रहता फोर बीयरिंग एंड मैक बीयरिंग का जो हम लोकल डायरेक्शन को डिटेक्ट करते हैं। ओके, तो उसके बाद जो कैलकुलेटेड किए हैं तो उसके आगे जो भी हमने बीयरिंग्स किए हैं जैसे जैसे हम फर्दर प्रोसेस करते रहते हैं तो वो हमारा इंक्लूडेड एंगल वहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंक्लूडेड एंगल जो रहेगा वो हमारा बहुत ज्यादा हद तक हेल्प कर सकता है हमारा एलिमिनेशन के लिए लोकल अट्रैक्शन की। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लोकल अट्रैक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। द स्टार्टिंग फ्रॉम द अनअफेक्टेड लाइन एंड यूजिंग दीज इंक्लूडेड एंगल्स इन करेक्ट बीयरिंग ऑफ द ऑल अदर लाइंस कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, तो हम फिर स्टार्टिंग अनअफेक्टेड जो लाइन है जिस पे कोई लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट नहीं है हम वहां से स्टार्ट करते हैं हमारे बीयरिंग्स फाइंड करना, फोर बीयरिंग एंड बैक बीयरिंग। तो जब हमारी अनअफेक्टेड लाइन होगी उसके अकॉर्डिंग ही उसके बेसिस पे हम इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट कर लेंगे तो इंक्लूडेड एंगल की हेल्प से हम आगे लोकल अट्रैक्शन को बिल्कुल इलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये दो मेथड रहते हैं लोकल अट्रैक्टिव फोर्सेस को इलिमिनेट करने के लिए। ओके, तो ये हमारा क्या है, इलिमिनेशन प्रोसेस के लिए ये यूज किए जाते हैं। ओके, तो ये हमारे दो मेथड हम यूज करते हैं इलिमिनेट करने के लिए। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस करेंगे कंपोज सर्वेइंग में भी मैग्नेटिक डिप क्या होता है, जब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्या एरर आते हैं हमारे कंपास सर्वेइंग में, जब एरर की बात करते हैं तो कौन कौन से एरर आते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट मेथड की तो इलिमिनेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हमारा जो बीयरिंग्स है फोर बीयरिंग या बैक बीयरिंग जब हम डिटेक्शन करते हैं लोकल अट्रैक्शन की तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं वो नहीं आते इसमें। ओके, जब हम लोकल अट्रैक्शन की तो इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से लोकल अट्रैक्शन नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। और जो हम सोर्सेस रहते हैं हमारे एरर के वो हम देखेंगे क्या रहते हैं इन द कंपास सर्वेइंग में। हम नेक्स्ट लेक्चर में